अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। देखिए, कल से मुहर्रम का महीना शुरू हो रहा है। मुहर्रम का महीना ये बहुत ही बरकत वाला है। और देखिए, इस महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, मुहर्रम के महीने की फजीलत आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। आज सबसे पहले इस्लामी नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत इबादत करते हैं और इस महीने में दिल खोलकर जो अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है उसको पूरा करते हैं, और कुछ लोग दिल खोलकर इस महीने में खुराफात करते हैं, बिदात करते हैं, जिसका कुरान और सुन्नत से कोई लेना देना नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर इस महीने की सही फजीलत क्या है, इस महीने में क्या करना सही है और क्या गलत है, और मुहर्रम के महीने की ऐसी क्या खास बात है जो इसको बाबरकत महीना कहा जाता है। आज मैं आपको सब बताने वाला हूं, लेकिन बहुत मुख्तसर में, शॉर्टकट में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस महीने की फजीलत क्या है, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि यह महीना सब महीनों से अलग। इस महीने में एक दिन आता है जिसे यौम आशूरा कहा जाता है। इसी दिन अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और जमीन को बनाया, कलम को बनाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, और इसी दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया गया और उन पर आग को गुरे गुलजार किया गया। इसी दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती हवलनाक तूफान से महफूज होकर कोहे जूदी पर लंगर अंदाज हुई। इसी दिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इसी दिन यानी आशूरा के दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद मोहतरम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से लंबी जुदाई के बाद मिले, और इसी दिन उनको कैद खाने से रिहाई मिली, और इसी दिन मिस्र की हुकूमत भी मिली, और इसी दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और कौम बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से नजात मिली, और इसी दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई, और इसी दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शिफा मिली। आप अंदाजा लगाइए कि मुहर्रम के महीने में जो आशूरे का एक दिन आता है वो कितना बाबरकत है और कितने बड़े बड़े वाकियात इस दिन हुए। आपको पता है इसी दिन यानी आशूरे के दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली, और इसी दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन मछली के पेट में रहकर बाहर निकाले गए, और इसी दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को यानी उनकी कौम की तौबा कबूल हुई और उन पर से एक बड़ा अजाब टाल दिया गया, और इसी दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, और इसी दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों के शर से नजात दिलाकर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें आसमान पर उठा लिया, और इसी दिन दुनिया में पहली बार बारिश हुई, और इसी दिन कुरैश मक्का खाने काबा का गिलाफ बदला करते थे, और इसी दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा से हुआ, और इसी दिन यानी आशूरे के दिन कूफा के धोखेबाजों ने नवासे रसूल जिगर गोशे फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत इमाम हुसैन को मैदान करबला में बेदर्दी से शहीद कर डाला, और इसी दिन कयामत कायम होगी। क्या इतना काफी नहीं है मुहर्रम की और आशूरे की फजीलत के लिए? मुहर्रमुल हराम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है, ये बाबरकत महीना है, ये अल्लाह का महीना है। हदीसे पाक में मुहर्रमुल हराम की खास फजीलत आई है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला से किसी ने सवाल किया कि रमजान के बाद कौन से महीने में मैं रोजे रखूं, यानी फजीलत कौन से महीने की ज्यादा है? तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने जवाब दिया कि यही सवाल एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि रमजान के बाद अगर किसी महीने में रोजे रखना है तो वो मुहर्रम के रोजे रखे, क्योंकि ये अल्लाह की खास रहमत का महीना है, और इसमें एक दिन ऐसा है
जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक कौम की तौबा को कबूल फरमाया था और आइंदा भी एक कौम की तौबा को कबूल फरमाएगा।